तो दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं ये वाइस कंपनी का एसी का रिमोट। इसकी हम लाइव रिपेयरिंग करेंगे। अभी मैंने चेक नहीं किया इसमें क्या है, आपके सामने इसे चेक करूंगा। और तो इसको शुरू करने के लिए चलते हैं हम अपनी वर्किंग टेबल की ओर। दोस्तों हम आ गए अपनी वर्किंग टेबल पर। अब हम इस रिमोट को खोलेंगे। खोलने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, सेल इसमें डालते हैं। ये है हमारा रिमोट टेस्टर, इसमें हम रिमोट टेस्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम नए सेल डालेंगे रिमोट में, देखते हैं ये ऑन है, ये रिमोट बंद है, बिल्कुल कोई भी बटन इसमें काम नहीं कर रहा रिमोट का। रिमोट टेस्टर हम ऑफ कर देते हैं और अब हम इस रिमोट को खोलेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी इस पिन पर, ये देखिए इस पिन पर जंग लगा हुआ है, मुझे लगता है ख़राबी इसी पिन की होगी। पहले हम रिमोट को खोलते हैं। अब इस रिमोट में लगा हुआ है यहाँ एक पेच, ये देखिए इस पर देख आप देख सकते हैं ना, ये एक पेच लगा हुआ है इसमें। लाइट कम की वजह से दिख नहीं रहा आपको, तो उसको हम खोल लेते हैं पहले। कभी भी कोई सेट खोलें तो उसके पेज को हम जरूर संभाल के रखेंगे। इसकी बैक के साथ ही हम इसके पेज को रख देते हैं। ये पेज मैंने रख दिए हैं, इस रिमोट का नंबर लिखा हुआ है YKR-P/101E101E। ये वाइस कंपनी का रिमोट है जो कि विजय सेल्स के नाम से जो रिटेल चेन बनी हुई है ना, रिटेल चेन जो बनी हुई है उनकी ये प्रोडक्ट है। इसको मैं बड़ी ध्यान से, ये ओपनर है ऐसा प्लास्टिक की किसी चीज़ से, या पेचकस की नोक से भी आराम से आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए शक बिल्कुल सही निकला, इसका जो ये पॉइंट है ये गल के टूट चुका है, ये देखिए इसका ये पॉइंट इसमें टूट चुका है। सबसे पहले हम इसका ये पॉइंट चेंज कर देते हैं, इसके लिए या तो हम इसको घिस के यहाँ से घिस कर भी इस पर सोल्डरिंग कर करके इसको चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अंदर से भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसको अंदर से खोल के अब चेक करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेचों को संभाल के रखना है। देखिए अभी भाग जाता ना पेच, दिक्कत हो जाती है, पेच मिलते नहीं है ना फिर ओरिजिनल। अभी ये रिमोट हो गया ओपन, इसको बड़े ध्यान से प्यार से खोलेंगे। ये देखिए ये इसमें इसकी LCD डिस्प्ले लगी है, ये देखिए। बाकी रिमोट तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी सबसे पहले हम इस पॉइंट को फ्री करके और वहाँ सोल्डरिंग, ये अपना आयरन मैंने निकाल लिया, इस आयरन से मैं इस पिन को हटा दूंगा। ये पिन अलग हो गई, ये देखिए पिन अलग हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अभी हम इस पत्ती को थोड़ा फाइल से घिस के, रेती से घिस के साफ कर लेंगे। अगर आपकी ये पत्ती, मतलब ये जो कनेक्टर है पॉजिटिव लाइन वाला, अगर ये बिल्कुल जंग खा जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आप कोई भी वायर लेके, जैसे ऐसे कोई वायर ले ली, इसको पूरी तरह छील के इसको गोल करके, इस तरह गोल करके भी इसको बना सकते हैं। इस तरह भी इसको बना के आप उसके अंदर लगा सकते हैं, कनेक्टर बन जाएगा, उसी तरीके से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा तरीके से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। फिलहाल हम इसी को पहले इस पॉइंट को साफ कर लेते हैं। ये साफ हो गया पॉइंट। अभी क्या करेंगे, हम इसको यहीं लगा देंगे दोबारा। आप चाहें तो पुराने रिमोट की लगा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की अगर मिल जाए साफ सुथरी तो उसको लगा लीजिए। अब इसमें मैं एक वायर फिक्स कर देता हूँ,
एक वायर ले लेते हैं, ये छोटा वायर का टुकड़ा मैंने ले लिया। ये सोल्डरिंग फ्लक्स है पेस्ट, ये हो गया सोल्डर। ये देखिए मैंने सोल्डर इसको कर दिया है, अब प्रॉपर तरीके से ये लग चुका है। अब इस बोर्ड को हम करेंगे इसमें फिट, फिर उसके बाद इसको करते हैं हम चेक। सबसे पहले पैड लगाएंगे, अगर ये गंदा हो रहा हो पैड तो इसको साफ कर लेंगे। कई बार क्या होता है इन रिमोटों के एक दो स्विच खराब हो जाते हैं, एक दो पॉइंट खराब हो जाते हैं, जैसे मान लो पावर का खराब हो गया, ये पावर का ये या ये ये ये, तो उनको भी रिपेयर करना आसान है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को चेक कर लें। ये हो गया आपका रिमोट का फिक्स। ये हम चारों लगा रहे हैं इसके, ताकि ये बढ़िया हो जाए, अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। ये हो गया जी फिट। अब उसके बाद मैं इसकी सोल्डरिंग करता हूँ इस वाले पॉइंट के साथ, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए ये हो गया जी हमारा सोल्डरिंग। ये लो जी, एक मिनट थोड़ा साफ करके हमें सोल्डर करना पड़ेगा इसको। इसको इसके लगाएंगे, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इस पिन को पेस्ट लगा के और इसको हम फिक्स कर लेते हैं, सोल्डर लगा लेते हैं। ध्यान से लगाइएगा, पिन गर्म हो जाती है, कहीं आपको हाथ जल जाए, मुझे तो प्रैक्टिस है। ये लो जी ये हो गया सोल्डर। अब हम करते हैं इस रिमोट को टेस्ट, ये साइड में दबा के बड़े ध्यान से लगाना आपको। और हम डालते हैं इसमें सेल और ये हमारा रिमोट ओके हो गया। देखिए आगे डिस्प्ले ये कर दिया मैंने ऑन, और ये टेस्टर पे भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ठीक है ना, देखिए बस जरा सा काम, इसका बैक कवर का पेज लगा के इसको फिट कर देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी और विषय पर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।